बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एनएन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ रीश नदीम। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते चलें जी खुश आपसे, जहाँ पर क्रिसमस की आमद के मौके पर मसीही बरादरी में राशन तकसीम किया गया। ADCR खुशाब अमीर तैमूर ने क्रिसमस की आमद के मौके पर खुशाब के मसीही बरादरी में राशन तकसीम किया। राशन के अलावा सैनिटरी मुलाजमीन में हजार रुपए फीकस के हिसाब से मुबलिक 70,000 रुपए दी तकसीम की। इस मौके पर सैनिटरी इंस्पेक्टर मेहर मोहम्मद तारिक और दीगर भी मौजूद थे। अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं जी झोल की, तो थाना झोल की हदूद में बासर रईस के खिलाफ एहतजाज किया गया। थाना झोल के हदूद शहर के कुंजी गांव के रहायशी अली अख्तर सिद्धू जट और इनके भाई जुल्फार अली जट ने बासर रईस हाजी फजल करीम जट के खिलाफ एहतजाज किया। हाजी फजल करीम जट के पास मजदूरी करता था। अली अख्तर जट ने बताया कि 2 साल तक कोई हिसाब नहीं दिया, जब हिसाब मांगा तो बासर हाजी फजल करीम जट ने मुझ पर तशद्दुद किया और जान से मारने की धमकी दी। अलग अलग वारदातों में फंसाने की कोशिश करता रहा है। मैं गरीब किसान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। दिल में सोचा कि ये जालिम बुजुर्ग मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। रात की तरीकी का फायदा उठाया और अपने भाई के गांव अपने मासूम बच्चों के साथ सख्त सर्दी बर्दाश्त करते हुए वहां आ गया और जालिम बासर रईस ने अपने साथियों से मिलकर मेरे घर में मेरी 2 बख्शियां 1.5 लाख रुपए की 3 बोरियां गंदम सोलर सिस्टम का सारा सामान ले गए। और जब भी मैंने ये खबर सुनी घर पहुंचा तो मुझे धमकी दी और कहा कि अगर तुम पुलिस के पास गए तो जान से मार देंगे और लाश को भी दफना देंगे। इस खौफ के डर से कोई शिकायत नहीं की और शेर के मौतजीन से मिलकर फैसला मांगता था तो मेरे बच्चों को अगवा करने की धमकियाँ दी जाती थी। IG सिंध SSP संगर सदाम हुसैन खासकेली से इंसाफ की अपील है। अब आपको खबर देते चलें जी झोल से, जहाँ पर बलोच नौजवानों के साथ जो इस्लामाबाद में दर्दनाक वाकया पेश आया है उस हवाले से झोल में एहतजाज किया गया है। बलोच नौजवान बूढ़े बच्चे और दीगर माशरे के लोगों ने कसीर तादाद में एहतजाज में शिरकत की। इस एहतजाज की सरबराही छलगरी मरी इत्तेहाद के सदर मोहम्मद ईसा मरी बलोच ने की। एहतजाजी रैली झोल रेलवे फाटक से शुरू हुई और नेशनल प्रेस क्लब झोल पहुंचकर मुजाहरीन ने मीडिया से गुफ्तगू की कि वो इस्लामाबाद में होने वाले दर्दनाक वाकये के खिलाफ एहतजाज करते हैं। इस्लामाबाद में हमारी बहन बेटियों के साथ होने वाले नारवा सलूक के भी शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हैं। छलगरी मरी इत्तेहाद के सदर मोहम्मद ईसा मरी बलोच ने कहा, हम बलोच तमाम बहन बेटियों को अपने बहन बेटियां समझते हैं। किसी भी बहन बेटी के साथ जहाँ भी नारवा सलूक करेगा के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान करते हैं। अब आपको बता रहे हैं लकी मरवत से, जहाँ पर रेस्क्यू ऑफिसर इंजीनियर फसीहुल्लाह खान ने चाइनोरंग के रेस्क्यू ऑफिस का विजिट किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर फसीहुल्लाह खान ने अचानक रेस्क्यू स्टेशन 33 सराय नौरंग का अचानक विजिट किया। इस मौका पर इन्होंने एमरजेंसी फायर व्हीकल्स और दौरान एमरजेंसी इस्तेमाल होने वाले आलात का मुआयना किया। तमाम रेस्क्यूअर्स की हाजिरी और डिसिप्लिन चेक किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने अहकाम जारी किए कि रेस्क्यू 112 के अहलकार हर किस्म की एमरजेंसी के लिए 24/7 हाई अलर्ट रहे। एमरजेंसी के दौरान किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको खबर देते चलें जी सोबतपुर से, जहां पर मुल्क भर की तरह सोबतपुर में भी इलेक्शन 2024 के हवाले से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के रामनाथ साबिक सूबाई वजीर दाखिला मीर सलीम अहमद खान खोसा ने PB15 पर कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर सोबतपुर मुसवर हुसैन अचकदई के पास जमा कराए। सलीम अहमद खान खोसा ने अन्य 255 नसीराबाद जाफराबाद सोबतपुर की नशस्त पर भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर दुरान खान खोसा, मीर अहमद नवाज खान खोसा, नेशनल पार्टी के राहिब खान बुलेदी, जमीयत उलमा इस्लाम के समंदर अली खोसा, जमात इस्लामी के समद खान खोसा, बुलेदी इत्तेहाद के इकबाल खान, बजारानी पिछवाई के जाकिर हुसैन नावड़ा, आजाद उम्मीदवार जागन खान पेचोहा ने भी नामजदगी फॉर्म जमा करा दिए हैं। लवल भुट्टो जरदारी साहब और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का फैसला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जी आले उस कैंडिडेट के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह हम नजरती इलेक्शन को मैं इस तरह से देखता हूँ कि ये एक तो हमारे अजीब किस्म के निज़ाम है, हम ऐसे सदी में रहते हैं। आप जाएं कि नसीराबाद में, इस नसीराबाद रीजन को बलोचिस्तान में 2 दफ़ा यहाँ पे वज़ीर आज़म मिला है। सोबतपुर से भी एक वज़ीर आज़म रहा है, जाफराबाद से भी अंदर एक वज़ीर आज़म रहा है, लेकिन आज भी जाफराबाद सोबतपुर की आवाम जो 19वीं सदी से बदतर ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। आज हर मेरा दूसरा नौजवान हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार है। वजह यह है कि साफ पानी नहीं है, बिजली यहाँ पर नहीं है, रोड यहाँ पर नहीं है, रोज़गार यहाँ पर नहीं है, अच्छा स्कूल का निज़ाम नहीं है, अच्छा सेहत का निज़ाम नहीं है। अब वक्त है कि यहाँ के नौजवान को भी शऊर बेदार करना चाहिए, वो ये फैसला करें कि आया जो 70 साल। अब बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको खबर देते चलें जी शोरकोट से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में क्रिसमस के मौका के हवाले से केक काटा गया। क्रिश्चियन मुलाजमीन में दहाक भी तकसीम किए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल ने मसीही मुलाजमीन को मुबारकबाद दी, वतनी अजीज के खुशहाली और तरक्की के लिए मस्बत किरदार अदा करने की तलकीन की। इस मौका पर MSTHQ शोरकोट डॉक्टर अजहर हुसैन जहान, ऑफिसर सोशल वेलफेयर सिविल हॉस्पिटल शोरकोट सुहेल आर्थर भी मौजूद। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही, मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।